हेलो गाइस, फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। सो गाइस, आप लोग देख रहे हो पार्थ साउंड अनटच। सो गाइस, ये जो लाइव सेटअप आज का छोटा वाला जो लगाए हैं, तो वीडियो बनाने का कोई इरादा नहीं था, तो माइक भी मैं नहीं लाया हूँ। विदाउट माइक में आज जो वॉइस रिकॉर्ड हो रहा है, तो थोड़ा मेरा जो आवाज़ है ख़राब हो सकता है, लेकिन आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कि क्या क्या चीज़ मैं यहीं पर इंस्टॉल किया हूँ। सो वीडियो में बने रहिए, और अभी तक अगर मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन को दबा दीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा गाइस। सो गाइस, ये आप लोग देख सकते हैं, ये वाला जो मेरा छोटा सा सेटअप है, बहुत कुछ यहीं पे इंस्टॉल नहीं हुआ है। सीधी सी बात है, एक छोटा सा मिक्सर जो 8 चैनल का इंस्टॉल हुआ है, और यहीं पर 2 एम्पलीफायर 250 वाट का, एक तो DP वाला जो पेन ड्राइव वाला आता है वही वाला, और एक तो प्लान वाला जो नीचे वाला एम्पलीफायर है, उसी में 220 का 2 मॉनिटर चल रहा है, और ऊपर में 440 XT हॉर्न जो कि ट्रांसफार्मर वाला चल रहा है, और साइड में जो रिसीवर रखा गया है आप देख सकते हो XR40। ये माइक यूज हो रहा है, हमेशा मैं ये वाला माइक ही यूज करता हूँ, और कुछ यहीं पर इंस्टॉल नहीं हुआ है। आप लोगों को जो मेरा सेट, सो गाइस, इसका जो वायरिंग आप लोग देख सकते हो, सीधी सी बात है, यहीं पे एक तो जो XR40 का यहीं से आउटपुट होके यहीं पे इनपुट किया गया है, और इसमें से जो मेन आउटपुट एक तो यही वाला एम्पलीफायर का ऑक्स वन पे, और एक तो ऑक्स यहीं वाला जो आउटपुट यहीं वाला ऑक्स वन पे लगा है। तो यहीं पे जो बॉक्स की बात आता है, तो 2 बॉक्स है 8-8 ओम्स का, तो 4 ओम से कनेक्ट किया हुआ है, और यहीं पे जो हॉर्न की बात आता है, तो 100 वोल्ट में आउटपुट दिया गया है ये वाला एम्पलीफायर। तो इसका साउंड टेस्टिंग हो सकेगा तो थोड़ा सा करके आप लोगों को दिखाने वाले हैं। अभी इसका इलेक्ट्रिफिकेशन का प्रॉब्लम है, तो अभी करंट नहीं है, आने के बाद थोड़ा टेस्टिंग का वीडियो भी आखिरी में डाल दूँगा। मनस्कामना को तू पूर्ण कर, मागुणी को तू स्वीकार कर, मागुणी को